हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग की डेट थी वो आ चुकी थी पहले ही कि 23 तारीख से आपकी टाइपिंग स्टार्ट थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ है दोस्तों, आपके पास क्या है कि इसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है कि टाइपिंग आपकी कब है, कितनी समय है, कहाँ है और किस टाइम है। ठीक है, तो सब कुछ आ चुका है। तो एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करें टाइपिंग का, तो उसके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से बताने वाले हैं और सारे इंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे कि क्या क्या आपको करना है टाइपिंग करते समय, क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको कोई ब्राउजर खोल लेना जैसा कि मैंने खोल रखा, और यहाँ पर आपको सरकारी रिजल्ट टाइप कर देना है। क्या दोस्तों? सरकारी रिजल्ट। जैसे आप टाइप करते हैं ये आपका ऐसे खुल जाएगा और पहले वाले लिंक पर ही आप खोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक, देखिए थोड़ा सा वेट करिएगा, ये खुल गया। अब देखिए आपको जाना कहाँ पे है, तो एडमिट कार्ड ये दिख रहा होगा दोस्तों, एडमिट कार्ड। देखिए, UP SSC कंप्यूटर ऑपरेटर के भी आए हुए हैं और जूनियर असिस्टेंट के, दोनों के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम जूनियर असिस्टेंट वाले बता दे रहे हैं आपको। देखिए, 2019 की वैकेंसी थी, तो इस पर आपको क्लिक करना। देखिए, एडमिट कार्ड पे आएंगे, एडमिट कार्ड के बाद हम नीचे वाले कर देंगे UP SSC जूनियर असिस्टेंट 2019 स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड। तो इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये देखिए कर दिया। ये देखिए, आपको पता चल जाएगा कब ये फॉर्म आए थे, कब क्या हुआ था दोस्तों, क्या कब क्या हुआ था, और हर एक चीज के बारे में इसमें बताया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि देखिए, ये देख सकते हैं आप फॉर्म कब आए थे दोस्तों, 26/6/2019 को। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि पेपर कब हुए थे, 24/12/2019 को इसके पेपर हुए थे और 4 तारीख को इसकी दोस्तों डेट आई थी ना एग्जाम की। ठीक है, न्यू एग्जाम डेट हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बता दें। अब दोस्तों स्किल टेस्ट शुरू हो चुके हैं 23/6 से दोस्तों। ठीक है, एडमिट कार्ड 14 से अवेलेबल हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको, इनसे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। एक बार आपको बता दें कि कितनी स्पीड चाहिए दोस्तों, 25 और 30 की। हिंदी की 25 स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश की 30 स्पीड होनी चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको हम दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको आना नीचे, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कि डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो पहले वाले पर ही हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। देखिए, ऐसे क्लिक करेंगे तो आप जैसे क्लिक करते दोस्तों, ये थोड़ा सा आप अभी क्या है, सर्वर डाउन चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा ना। तो फिर देखिए थोड़ी देर बाद ऐसे खुल जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या डालना है, ठीक है, क्या क्या भरना है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए आपके मोबाइल फोन पर एक मैसेज भी आया होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं पता तो मोबाइल फोन पर मैसेज भी आएगा, उसमें सब कुछ बताया होगा। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, जेंडर, आपका जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन कोड जो है दोस्तों, इस ये वाला आपको इसमें फिल कर देना है। फिर उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, यहां पर जैसे इस पे करेंगे दोस्तों, यहां पे मेल कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपका, ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यहां पे डाल देना है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से डालिएगा। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो आपका ये खुलने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, मान लिया हमने ये एडमिट कार्ड अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है दोस्तों। ठीक है, जो भी है। ठीक, अब इसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते, डाल सकते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें चेक करना क्या है, आप ऐसे आप यहाँ से डाल सकते हैं जो भी है दोस्तों। मान लिया आपका यहाँ पे क्या है, 99/98 दोस्तों, तो 98 जो भी है आपका, अपने हिसाब से दोस्तों डाल देना जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना वेरिफिकेशन कोड, जो ये वाला कोड, वही आप डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो आपको इधर बगल में दिख रहा है वही वाला सेम आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, चलिए ये देखिए हमने डाल दिया, देखिए सेम यही हमने डाला है। अब दोस्तों क्या करना है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यही अब क्या करना है, सब कुछ भर गया दोस्तों, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, आपको इस पे क्लिक करना है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड पे। जैसे आपको नहीं पता तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से अपना पा सकते हैं दोस्तों। ठीक, एप्लीकेशन स्टेटस भी आप देख सकते हैं। तो हमें किसके करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड करना, हमें इस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए करते हैं, तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये खुल गया है। ठीक है, देखिए डाउनलोड होकर खुल गया है, अभी हम आप इसके बारे में बताने वाले हैं। देखिए, सब कुछ खुल चुका है। ठीक, एडमिट कार्ड खुल चुका है। आपको अगर इसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके दोस्तों प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसके पहले हम इसको देखेंगे कि क्या क्या इसमें बताया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है, देखिए 24/6/2021, मतलब कि इन्हें 24/6 को बुलाया गया, 24 तारीख को इनकी टाइपिंग है। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 12 बजे। ठीक है, बैच क्या है, दूसरा बैच है दोस्तों, इसलिए इनको 12 बजे बुलाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इंस्ट्रक्शन पढ़ लें क्या क्या होगा। तो देखिए, अभ्यर्थियों, पहला क्या है कि अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में पूर्व से पहले तलाशी ली जाएगी दोस्तों। ये सब कुछ होता है कि परीक्षा केंद्र को आप क्या करना दोस्तों, देखिए परीक्षा प्रारंभ होने 2 घंटे पूर्व रिपोर्ट करना अनिवार्य है, मतलब 2 घंटे पूर्व आपको पहुँचना है। ठीक है, और दोस्तों
आधा घंटा पूर्व मुख्य द्वार क्या होगा, बंद कर दिया जाएगा। और आपको बताते हैं, देखिए कोविड-19 को दृष्टिगत अभ्यर्थी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा समाप्ति का उपरांत परीक्षा कक्ष से बाहर लगातार मास्क का प्रयोग करना है, ठीक है, और रोकथाम के नियमों का पालन करना है, यानी मास्क आपको ले जाना है, ठीक है। और दोस्तों, अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए प्रवेश पत्र एवं उपस्थित पत्रक पर लगी फोटो से अभ्यर्थी का मिलान सत्यापन किया जाना है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि वही फोटो आपको ले जाना है जो आपसे मिल रही हो दोस्तों, ठीक है, ये चीज आपको। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, कि आपको देखिए आपके आवेदन पत्र में सूचित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की जाएगी, नहीं की गई, इस परीक्षा को आपको स्वयं औपचारिक प्रवेश दिया जा रहा है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, जो मेन है उसको हम बताते हैं, ठीक है। आयोग की वेबसाइट द्वारा डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र के लिए साथ साथ अवश्य लाएं, अथवा आपको परीक्षा में बैठने नहीं जाए, मतलब ये प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है। और एक आईडी प्रूफ आपको ले जाना। आईडी प्रूफ में क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए क्या क्या ले जाना है, प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना एक आईडी प्रूफ, उदाहरण जो चाहे आप आधार कार्ड ले जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं, पासबुक ले जाएं, पैन कार्ड ले जाएं, वोटर आईडी कार्ड ले जाएं, जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अवश्य हो, कि मूल प्रति, ठीक है, क्या मूल प्रति, प्रति दोस्तों आपको ले जाना है, ठीक है, मूल प्रति ले जाना है, ठीक है, मूल प्रति ले जाना है। आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, कोई एक मूल पहचान पत्र ले जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें, ठीक, आपको किसी प्रकार का कुछ लेकर नहीं जाना है, कि आप कहीं सोचो अपना लेके जाना। देखिए मेन चीज़ क्या है कि दोस्तों, ये जो है आपकी, देखिए अभ्यर्थी को हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं के टंकण दक्षता परीक्षा देना, और उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम गति जैसे विज्ञापन लिया गया है, मतलब कि आपको 25 हिंदी और 30 इंग्लिश की होनी चाहिए। और दोस्तों बता दें किस पर होगा हिंदी में, तो मंगल फॉन्ट दोस्तों अथवा कुर्तिदेव फॉन्ट 10 पर ही देना होगा, इसके अलावा कोई अतिरिक्त फॉन्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। और इनकी जो टाइपिंग होती है, एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे करते हैं दोस्तों कोई सॉफ्टवेयर पे, तो उसी तरीके का सॉफ्टवेयर भी उनका होता है, उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है, तो वो चीज़ें आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए इसके दौरान जब परीक्षा शुरू होती है दोस्तों, आप कंट्रोल की का उपयोग नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, कोई समस्या होगी उसकी जिम्मेदारी आप होंगे दोस्तों, रिफ्रेश रीलोड नहीं कर सकते दोस्तों, लॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीज़ें सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और हमने दोस्तों इसके लिए एक बढ़िया वीडियो भी बनाया है, ठीक है, आप चाहिए तो उसे देख सकते हैं, सारी सारी आपको टाइपिंग संबंधित दूरियाँ, मतलब जो भी परेशानी है सबकी सब क्या होंगी, हाँ, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई डाउट है दोस्तों, आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट है पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर इसे निकलवाना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करिए और दोस्तों एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक। और आपको बता दें, एक आप अपना आधार कार्ड यानी कि कोई भी अपने आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी भी ले जाइएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ बता रखा है, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों लगती है, ठीक। तो ये चीज़ आपको बता दिया, एक फोटो भी ले जाना अपनी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।